हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन वशिष्ठ व्लॉग्स। एंड मैं आपका होस्ट नवीन शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड गाइज, आज मैं काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, जो कि मेरे पास काफ़ी कॉल्स आती है, हमारे सब्सक्राइबर की, काफ़ी क्लाइंट्स की भी कॉल आती रहती है कि क्या मेट्रो के आसपास 1 CR के बजट में बिल्डर फ्लोर अवेलेबल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपने चैनल पे वीडियो लाता रहता हूँ, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्लॉट्स के बारे में, बहुत टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो कवर अप करते रहते हैं। तो आप फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि क्या मेट्रो के आसपास 1 CR के बजट में बिल्डर फ्लोर नया अवेलेबल है, मिल सकता है। तो मैं अब कहूँगा आपसे कि देखिए, 1 CR के बजट में कोई भी नया बिल्डर फ्लोर पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम में नहीं मिल सकता। क्योंकि देखिए, जो भी मेट्रो के नियर बाय एरियाज़ हैं हमारे, सुशांत लोक, सेक्टर 28, 27, 42, 43, 56, 55 या DLF, तो इन सभी एरियाज़ में करंटली जो हम बात करें तो प्लॉट रेट ही 2 लाख से ऊपर का हो गया, 2 लाख रुपए गज से प्लस का ही रेट है, 2.25 लाख के आसपास का पर स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का रेट हो चुका है। और जो गुड़गांव के अंदर जो रूल है हुडा गवर्नमेंट का, 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे हम बिल्डर फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, 180 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का ही प्लॉट एरिया होना चाहिए बिल्डर फ्लोर बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर हम देखिए, 180 स्क्वायर यार्ड का कोई भी प्लॉट इन एरिया में कोई भी बिल्डर लेता है तो 2 लाख से ऊपर का, जैसा मैंने आपको रेट बताया है, तो 3.5-4 करोड़ का उसको प्लॉट होगा, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होगी, तो करीबन ये 5-6 करोड़ में आ जाके उसका एक प्रोजेक्ट होता है। तो वो एक सी आर के अंदर आपको नया फ्लोर कैसे दे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है 1 करोड़ के अंदर नया बिल्डर फ्लोर, वो भी इन एरियाज़ के अंदर जो कि मेट्रो के आसपास है। और अगर हम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात करें, देखिए जो ये एरियाज़ हैं इनके आसपास की डेंसिटी है ही नहीं, कोई भी नया प्रोजेक्ट आए, कोई बिल्डर लेके आए नई कंस्ट्रक्शन के लिए, एरिया पूरा फुल कवर अप है ये आसपास के सारे। और जो पुराने अपार्टमेंट हैं DLF वगैरह के, कार्ल्टन, हैमिल्टन, वेलिंगटन वगैरह जो हैं, इनमें भी 1.25-1.5 इस आसपास का ही 2BHC अपार्टमेंट का रेट है। तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट भी पॉसिबल नहीं है, बिल्डर फ्लोर भी नया पॉसिबल नहीं है, तो 1 CR के बजट में फिर हम ले क्या सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है व्यूअर्स का कि 1 CR में हम क्या ले सकते हैं। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, देखिए 1 CR के बजट में हमको मिल सकता है तो ओल्ड फ्लोर मिल सकता है, करीबन 12, 10 या 15 ईयर्स ओल्ड फ्लोर मिलेंगे, वो भी मिलेंगे हमें सुशांत लोक 3 में, सेक्टर 57 में, उपल साउथ एंड हो गया, और आपका साउथ सिटी 2 हो गया, और क्या कहते हैं मेलेबू टाउन हो गया, इन सभी में 12 से 14 साल करीबन पुराना फ्लोर मिलेगा आपको 1 CR के बजट में। मेट्रो के आसपास पुराना फ्लोर भी इस बजट में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेट्रो के आसपास ही हमें लेना है 1 CR, तो थोड़ा बजट स्ट्रेच करना होगा। सुशांत लोक 1 में पुराना फ्लोर मिनिमम ये मान के चलिए 1.25-1.5 के बीच में मिलेगा, वो भी पुराना फ्लोर, नया तो पॉसिबल ही नहीं है, नए फ्लोर की तो कॉस्ट करीबन 2.5 के आसपास जाएगी। पुराना फ्लोर भी अगर आपको मेट्रो के आसपास लेना है तो वो करीबन आपको मिलेगा 1.25-1.5 के बीच में। 1 CR के बजट में जो जो लोकेलिटीज़ में पॉसिबिलिटी है पुराने फ्लोर आने की, वो एरियाज़ मैंने आपको बता दिए, सेक्टर 57 हो गया, सुशांत लोक 3, 2, मेलेबू टाउन, साउथ सिटी 2, उपल साउथ एंड, इसमें पुरानी जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो पॉसिबल है। नए फ्लोर इन एरियाज़ में भी नहीं आएंगे, तो मेट्रो के आसपास भी नहीं आएंगे, इन एरियाज़ में भी नहीं आएंगे। और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट भी प्राइस हाइक कर चुके हैं, जब प्लॉट रेट और हर जगह तेज है, पुराने फ्लोर्स में भी तेज है, तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, तो जो जो एरियाज़ हैं उनमें पॉसिबल हैं 1 करोड़ के बजट में 250-300 गज के ओल्ड फ्लोर मिल जाएंगे इन एरियाज़ में, जो मैंने आपको बताएं 3BHK, और जो विदाउट लिफ्ट होते थे पहले और विदाउट स्टील पार्किंग होते थे, पुराने फ्लोर होते हैं जो कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बिल्डअप होते हैं इन एरियाज़ में, सुशांत लोक 3, साउथ सिटी 2 वगैरह में, तो पुराने बिल्डअप होते थे, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बिल्डअप होते थे, इनके अंदर ना स्टील पार्किंग होती है ना लिफ्ट होती है। अब जो नए बिल्डर बना रहे हैं उनके अंदर स्टील पार्किंग और लिफ्ट दे रखे हैं, क्योंकि पहले जो लैंड की कवरेज एरिया होती थी वो कम होती थी,
अब थोड़ी सी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, और जो मिनिमम प्लॉट एरिया है गुड़गांव के अंदर बिल्डर फ्लोर कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो 180 स्क्वायर यार्ड है, इससे नीचे आप बिल्डर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन से, जो भी एरियाज थे मैंने डिस्कस करके आपको बता दिए। मेट्रो के आसपास तो पॉसिबल है ही नहीं इस बजट में कोई भी नया फ्लोर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।